बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को पाशा टीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो जी, ये मनाजिर इस वक्त आपके सामने गल्ला मंडी अलीपुर छट्ठा के हैं। कल या पिछले दिनों की निस्बत मुंजी की आमद में कमी वाक़या हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त गंदम की बिजाई जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। तो ये दो दो चार चार एकड़ की जो मुंजी थी लोगों के पास खड़ी थी, बस वही बिलतरतीब कट कट कर जो है यहाँ आ रही है। तो ये बताता चलूँ जी, इस वक्त आज जो है छियासी वगैरह तो मंडी में बिल्कुल नहीं आई, इसलिए उसका रेट बताने से कासर हूँ। ये देखिए जी, ये 1509 है। दोबारा आपको दिखा देता हूँ, इंतहाई बेहतरीन किस्म की मुंजी है, बीजों वाली डेरी है जी। इस डेरी की ज़रा आप शाइनिंग भी देख लें, ताकि आप ख़ुद इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि वाकई ये मुंजी जो है ये बीजों वाली मुंजी है। यानी कि ये बतौर 1509 इसका बीज जो है बतौर लाभ के लिए इस्तेमाल आइंदा साल होगा। तो आज अगर 1509 की बात की जाए तो 3800 रुपये से लेकर 3450 रुपया, ये जो डेयरी मैंने आपको दिखाई, जी हाँ, ये 3450 रुपये इसकी फ़ी मन 40 केजी की बोली हुई है। ये इसका आज का रेट है 1509 मुंजी का। उसके अलावा जी आपको दिखाते हैं कायनात मुंजी, जिसे हम इंडिया कहते हैं, 1121 कहते हैं। ये देखें तो मजमूई तौर पर इंडिया का जो आज का रेट है वो 3800 रुपये से लेकर 4300 रुपये तक इस वक्त चल रहा है। 3800 से लेकर 4300 रुपया फ़ी मन। ये देखें, इसके अलावा जी मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिया और भी है, काफ़ी माशाल्लाह डेयरियाँ जो हैं वो आई हुई हैं। ये देखें, और ये देखें जी, ये लेबर जो है ये माल तोल रही है, ये न्यू बारदाना है। ये देखें, उसके बाद जी आपको दिखाते हैं सुपर बासमती। सुपर बासमती जो है वो इस वक्त माशाल्लाह काफ़ी तेज़ है, 4000 रुपये से लेकर 4500-4600 रुपया इसका आखिरी रेट चल रहा है सुपर बासमती मुंजी का। तो सुपर बासमती के बाद हम बात करेंगे जनाब चनाब मुंजी की। चनाब मुंजी जो है वो तकरीबन 2850 से लेकर 2950 रुपया फ़ी मन इस वक्त चल रही है। तो ये थे जी आज के थोड़े से रेट्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसके अलावा मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल पाशा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। इसके साथ ही कल तक के लिए पाशा टीवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।